मीर हसन मीर हाफिज़हुल्लाह यूँ तो मौला के मद्दाह बड़े ही खुशगुलू अल्लाह ने हमें अता किए हैं और ज़ाकरीन की सूरत में, मनकबत खानों की सूरत में, नौहा खानों की सूरत में, ये अहले बैत के गुलशन की बुलबुलें हैं। जब ये चहकती हैं तो गुलशन में परिंदे बढ़ते हैं, मगर मीर हसन को इनके आबा व अजदाद से जो तरबियत मिली है, इनके परदादा, इनके दादा, इनके वालिद, इनके चाचा, ये सब मौला के नौकर। बेशक मैंने इनके परदादा को भी देखा, वो मेरे भी दादा थे, मेरे दादा के भाई थे कह लीजिए, और इनके दादा को भी, इनके वालिद तो मेरे वालिद के अजीज़ भी थे और दोस्त भी थे, मगर मीर हसन को और लोगों से मैं इस तरह से वो करता हूँ कि अल्लाह इन जैसे लोगों में इजाफा फरमाए, सादगी, सच्चाई, अज़ा को अपने ऊपर पहले नाफिज करना, जो अपनी आँखों पर अज़ा को नाफिज ना करे, दूसरों से तवक्को रखे कि कोई और मेरे पढ़ने पर रोएगा, तो पहले वो खुद आज़ादार साबित होना। सादगी, कोई फैशन के कपड़े नहीं पहने हुए, कोई लंबे बाल, लंबे बालों की मैं मजम्मत नहीं कर रहा, अच्छी बात है किसी का शौक हो, मगर इन अंदाज एक तरीका, तो सरकार के भी लंबे बाल थे, कुछ गलत फहमी ना हो किसी को, लेकिन बहस ये है कि ये जो जिक्र है ना, ये जात की नफी, पहला सबक करबला का जात की नफी है। मेरे मौला हुसैन फरमाते, मन काना बादलन फीना फल यर अलमाना, जो अपनी जात से हाथ उठाने को तैयार है वो मुझ हुसैन के साथ चले। कर रहे घर की आज़ादारी, अपनी आज़ादारी, खुद घर से आज़ादार, खुद घर की आज़ादारी, तो ये अल्लाह ने इनको तौफीक दी है, इनके लिए आप सब, हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह और इनके गले में दर्द अता फरमाए और तादेर इन्हें मौला की खिदमत में मसरूफ रखे।